हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ फंड फ्लो स्टेटमेंट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये और काफ़ी बच्चे काफ़ी समय से इस चैप्टर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो फाइनली आज ये चैप्टर मैं शुरू करने जा रही हूँ, फंड फ्लो स्टेटमेंट। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट और हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 लेक्चर वीडियो में इस पूरे चैप्टर को मैं फिनिश कर दूँ। तो चलिए फिर एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये होता क्या है, ठीक है। देखेंगे उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ज़रूरत है, क्यों बनाया जाता है ये फंड फ्लो स्टेटमेंट। फिर इसके बाद ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है इसको बनाने से पहले, इसको प्रिपेयर करने से पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि कब देयर इज़ अ फ्लो ऑफ फंड, व्हेन देयर इज़ नो फ्लो ऑफ फंड, ठीक है। तो वो कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कब किसी ट्रांजेक्शन से देयर इज़ फ्लो ऑफ फंड और कब ट्रांजेक्शन से देयर इज़ नो फ्लो ऑफ फंड, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा इन मेकिंग द शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, कि व्हेन देयर इज़ अ सोर्स ऑफ फंड, व्हेन देयर इज़ अ एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो वो कॉन्सेप्ट भी हम डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद हम फाइनली अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, दैट इज़ फंड फ्लो एनालिसिस। फंड फ्लो एनालिसिस में 2 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। फंड फ्लो एनालिसिस में 2 स्टेटमेंट बनते हैं। बेसिकली फंड फ्लो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है इसमें 2 स्टेटमेंट आपको बनाने को आएंगे एग्जाम में। पहला बनाया जाता है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये कहा जा सकता है, एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 2 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। तो फाइनली हम समझेंगे कि ये 2 स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं और उसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको कहीं पे मिलेगा 3 स्टेटमेंट भी मिलेगा, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, FFO जिसे कहते हैं, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो कहीं कहीं पे आपको ऐसा भी मिल सकता है किसी बुक में कि 3 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, एक फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एक फंड फ्लो स्टेटमेंट और एक शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो बेसिकली ये जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है ये क्वेश्चन में डायरेक्टली भी दिया रह सकता है। तो अगर डायरेक्टली दिया है तो आप इसको डायरेक्टली फंड फ्लो स्टेटमेंट में पुट करते हैं, बट अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है तो इसके लिए आप अलग से टेबल बनाते हैं, मतलब शेड्यूल बनाते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन, और फिर इसको फंड फ्लो स्टेटमेंट में पुट करते हैं, ठीक है। तो मेन बेसिकली 2 ही स्टेटमेंट बनाए जाते हैं फंड फ्लो एनालिसिस में, एक शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और दूसरा फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वैसे तो ये नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जहाँ पे चेंज हो रहा है वर्किंग कैपिटल उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, बट वर्किंग कैपिटल कब चेंज हो रहा है, कब नहीं चेंज होगा, ठीक है, किस ट्रांजेक्शन्स में चेंज होता है, किस ट्रांजेक्शन में नहीं चेंज होगा, वो सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। कि कब ट्रांजेक्शन से फ्लो ऑफ फंड होता है, कब नहीं होता है, तो वो सब हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेन ये 2 टॉपिक पढ़ने से पहले हम डिटेल में इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, ओके। तो चलिए फिर, ये था इंट्रोडक्शन कि ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं और न्यूमेरिकल भी कराऊंगी, तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट, तो हम जानते हैं पीएल अकाउंट पढ़ा है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट पढ़ा है, बैलेंस शीट पढ़ा है। हम जानते हैं ये जो पीएल अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं और इनसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो इन्वेस्टर्स के लिए, जो बैंक के लिए और भी जो अदर पार्टीज़ हैं उनके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन 2 स्टेटमेंट से मिलती है, ठीक है। लेकिन ये जो बैलेंस शीट है ना, दिस इज अ स्टैटिक स्टेटमेंट। ये जो बैलेंस शीट है ये स्टैटिक स्टेटमेंट है। स्टैटिक का मतलब क्या है? स्टैटिक मतलब है कि जिसमें चेंज नहीं बताता है ये, ठीक है। ये जो बैलेंस शीट होती है, इस बैलेंस शीट से आपको चेंज इन एसेट या चेंज इन लायबिलिटी, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपको नहीं पता चल पाएगा। बैलेंस शीट जो होती है इट्स ए स्टैटिक स्टेटमेंट, इससे कोई चेंज नहीं पता चलता है, चेंज इन एसेट, चेंज इन लायबिलिटी नहीं पता चलता है। तो जबकि चेंज भी जानना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, एसेट में क्या चेंज आ रहा है, लायबिलिटी में क्या चेंज आया, कैपिटल में क्या चेंज आया, ठीक है, बिटवीन टू डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो वो चेंज काफ़ी ज़रूरी है जानना ऑर्गेनाइजेशन के लिए और दूसरी पार्टीज़ के लिए। तो इसीलिए एक एडिशनल स्टेटमेंट बनाया जाता है, इस चेंज को फाइंड आउट करने के लिए एक एडिशनल स्टेटमेंट बनाया जाता है टू शो द चेंज इन एसेट, लायबिलिटी एंड द कैपिटल बिटवीन द टू डेट्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की दो डेट्स, ठीक है, वैसे डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या होता है 31 मार्च हम जाते हैं, डेट ऑफ बैलेंस शीट क्या है 31 मार्च ऑफ पर्टिकुलर ईयर, जैसे 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2021, ठीक है। तो ये क्या है डेट ऑफ बैलेंस शीट। तो एक ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, दिस इज एन एडिशनल स्टेटमेंट, ये एक एडिशनल यानी पीएल अकाउंट बैलेंस शीट के अलावा एक एडिशनल स्टेटमेंट जो बनाया जाता है जिससे ये शो किया जा सके चेंज इन एसेट, कि क्या चेंज आया एसेट में, क्या चेंज आया लायबिलिटी में, क्या चेंज आया कैपिटल में बिटवीन टू डेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, राइट। अब फंड फ्लो स्टेटमेंट के कुछ दूसरे नाम भी हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्या क्या नाम है फंड फ्लो स्टेटमेंट के, कुछ दूसरे नाम है, जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज आया उससे रिलेटेड है ये स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट का दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन, या इसे स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि अभी मैं आपको आगे जब फंड फ्लो स्टेटमेंट हम बनाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसे स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड भी कहा जाता है, और इसे वेयर गॉट एंड वेयर गॉन यानी कहाँ से आया और कहाँ गया स्टेटमेंट भी कहा जाता है, और फंड जनरेटेड एंड एक्सपेंडेड। तो ये इसके तीन और नाम है जो आपको पता होने चाहिए, क्योंकि मैं केवल ग्रेजुएशन के बच्चों को ध्यान में रख के नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट हैं उनको भी ध्यान में रख के ये लेक्चर वीडियो बनाती हूँ। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, क्या पता फंड फ्लो स्टेटमेंट के अदर नेम पूछ लिए जाए, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया जाए। तो इसलिए मैं सारी ही डिटेल कोशिश करती हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड सारी डिटेल आपको बताऊँ। तो ये है कुछ दूसरे नाम फंड फ्लो स्टेटमेंट के, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 2 इंपॉर्टेंट डिफिनीशन जो फेमस साइंटिस्ट ने, जो एक्सपर्ट्स ने जो डिफिनीशन दी है वो देख लेते हैं। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट की पहली डिफिनीशन विच इज़ गिवन बाय R N Anthony ने जो डिफिनीशन दी थी वो ये है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसको प्रिपेयर किया जाता है ताकि टू इंडिकेट द इंक्रीज इन कैश रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सच रिसोर्स, ठीक है, कि कैश रिसोर्सेज जो है उसमें इंक्रीज कितना हो रहा है और ये जो रिसोर्सेज हैं बेसिकली कैश रिसोर्सेज हैं ये यूटिलाइज कहाँ कहाँ हो रहे हैं ऑफ अ बिजनेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, किसी अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। एक बार फिर से बताऊं, फंड फ्लो स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो प्रिपेयर किया जाता है ताकि इंडिकेट कर सके कि व्हाट आर द कैश रिसोर्सेज, जो इंडिकेट करता है कि कैश रिसोर्सेज में इंक्रीज क्या है एंड कैश रिसोर्सेज में को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, किसी बिजनेस का ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। तो इसी को कहा जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक। फिर एक और डिफिनीशन है फंड फ्लो स्टेटमेंट की गिवन बाय I.C.I. तो फंड फ्लो स्टेटमेंट की एक और डिफिनीशन क्या है कि ये एक समरी रिपोर्ट है, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, एक समरी रिपोर्ट है जिससे क्या पता चलता है, जिससे पता चलता है चेंज, जिससे पता चलता है फ्लो, जिससे पता चलता है मूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल डायरेक्शन। ये जो फाइनेंशियल डायरेक्शन है इसका मूवमेंट क्या है, चेंज क्या है, फ्लो क्या है, इसके बारे में फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है। ये एक समरी रिपोर्ट है, ये एक स्टेटमेंट है जो शो करता है चेंज इन फाइनेंशियल पोजिशन, फाइनेंशियल पोजिशन में क्या चेंज आया। देखिए फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो कैसे पता चलता है, वो बैलेंस शीट से पता चलता है, ठीक है। बट फाइनेंशियल पोजीशन में क्या चेंज आया, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फंड के कारण बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट की 2 डेट्स के बीच में, ठीक है, मूवमेंट ऑफ फंड हुआ, कुछ फंड इनफ्लो हुआ, कुछ फंड आया, कुछ फंड गया, ठीक है। तो उससे चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन क्या हुआ ये हमें इस स्टेटमेंट से पता चलता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट से, ठीक है, समझ में आया। तो दीज आर द 2 डिफिनीशंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। एंड अब हम देखेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्टिव, क्या ज़रूरत है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ऑब्जेक्टिव है फंड फ्लो स्टेटमेंट का। तो सबसे पहला जो 5 ऑब्जेक्टिव है इसके, पहला जो यूज़ है कह लीजिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का, दैट इज़ प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल, प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट से एक आइडिया लगता है कि वर्किंग कैपिटल हैज़ बीन यूज प्रॉपरली और नॉट, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्किंग कैपिटल है वो प्रॉपरली यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, मैनेजमेंट ने उसे अच्छे से यूज़ किया है कि नहीं किया है, ये सब फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है, ठीक है। और ऑर्गेनाइजेशन में फंड फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉपर लेवल है कि नहीं है, फंड फ्लो स्टेटमेंट सरप्लस में है या फंड फ्लो स्टेटमेंट डिफिसिट है, कमी है फंड फ्लो स्टेटमेंट की, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है, ठीक है। फंड फ्लो नहीं, वर्किंग कैपिटल जो है, वर्किंग कैपिटल सरप्लस में है कि डिफिसिट में है, ये सब हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट से पता चलता है, ठीक। दूसरा जो इसका सिग्निफिकेंस है दैट इज इट इज हेल्पफुल टू गेट लोन। ये जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये हेल्पफुल होता है टू गेट द लोन, लोन मिलने में, यानी लोन अब कौन देता है, बैंक्स वगैरह से या किसी मनी लेंडर से लोन मिलता है। तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैंक से लोन लेना है तो बैंक मतलब ठीक है कुछ बेसिक स्टेटमेंट तो मांगती है ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, बट बैंक जो है प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट भी चाहती है। बैंक क्या चाहती है, बैंक चाहती है कि आप अपना प्रोजेक्टेड फंड फ्लो स्टेटमेंट भी आप सबमिट करिए, ठीक है, ताकि बैंक एसेस कर सके कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एबिलिटी है कि नहीं, कि वो आगे चल के लोन रिटर्न कर पाएगा कि नहीं, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट हेल्पफुल इन गेटिंग द लोन। अगली जो इंपॉर्टेंस है फंड फ्लो स्टेटमेंट की दैट इज इट इज हेल्पफुल टू इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज करने में फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट बेसिकली एक क्लियर पिक्चर देता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट अभी जब मैं आगे आपसे बनवाऊंगी फंड फ्लो स्टेटमेंट तो आप देखेंगे एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि व्हाट आर द कॉजेज, क्या क्या रीजन है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग कैपिटल में चेंज आया है, वर्किंग कैपिटल पोजीशन में चेंज आया है, तो व्हाट आर द कॉजेज, यानी कारण क्या क्या है, ठीक है। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट से एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है। तो बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन एनालिसिस में हेल्प करता है। फंड फ्लो स्टेटमेंट देख के आप आसानी से समझ जाएंगे कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ फंड, ऑर्गेनाइजेशन में फंड आया कहाँ कहाँ से, एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या थे, तो ये बेसिकली एनालिसिस में बहुत हेल्प करता है। अगली जो यूजफुलनेस है, ऑब्जेक्टिव है फंड फ्लो स्टेटमेंट का दैट इज इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजट। तो आगे की फाइनेंशियल प्लानिंग, फ्यूचर की फाइनेंशियल प्लानिंग करने में, बजट प्रिपेयर करने में भी फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है। और फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प इन कंपेरेटिव स्टडी, कंपेरिजन करने में, ठीक है, एनालिटिकल स्टडी करने में फंड फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में हमें सोर्सेज, कहाँ कहाँ से पैसा फंड आया, पैसा नहीं फंड कहाँ से आया, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में हमें पता चलता है। तो इट इज़ हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, ये कंपैरेटिव स्टडी करने में हेल्पफुल है, ठीक है। तो दीज आर द 5 ऑब्जेक्टिव कह लीजिए, नीड कह लीजिए, सिग्निफिकेंस कह लीजिए फंड फ्लो स्टेटमेंट के, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा फंड फ्लो स्टेटमेंट देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब ज़रा ये जो टर्म है फंड का क्या मतलब है, फ्लो का क्या मतलब है, और स्टेटमेंट मतलब तो आप जानते ही हैं। देखिए फंड का क्या मतलब है, तो वैसे तो देखिए फंड हम जो मतलब इसके डिफरेंट सेंस हैं, इसके डिफरेंट मतलब कह सकते हैं। अभी तक जो हम समझते थे हम कहते थे ना फंड, फंड मतलब कैश, तो कह लीजिए एक नैरो कॉन्सेप्ट जो है फंड का दैट इज कैश, ठीक है, नैरो कॉन्सेप्ट है फंड मतलब कैश। लेकिन यहाँ पर फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम अगर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, फंड का मतलब क्या है, तो फंड का मतलब कैश नहीं है, फंड का मतलब है वर्किंग कैपिटल। फंड का मतलब क्या है, फंड का मतलब है वर्किंग कैपिटल। एकदम गलती मत करिएगा, फंड मतलब कैश बिल्कुल नहीं है, ठीक है, वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। हम जनरल लैंग्वेज में कहते हैं कि फंड कितना है ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, वो दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वो एक नैरो कॉन्सेप्ट है। बट एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो फंड मतलब क्या होता है, फंड मतलब होता है वर्किंग कैपिटल, ठीक है, फंड मतलब क्या है वर्किंग कैपिटल। तो अगर ये स्टेटमेंट बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश तो इसको कहा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। बट अगर ये स्टेटमेंट बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल, अगर नेट वर्किंग कैपिटल के बेसिस पे बनाया जाता है तो इस स्टेटमेंट को कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, अगर ये उसके बेसिस पे बनाया जाता है तो इस स्टेटमेंट को कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक, समझ में आ गया। नेट वर्किंग कैपिटल के बेसिस बनाया जाता है तो इसी को कहते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट। अब ज़रा मेन फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं, मैंने बताया था ना कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो चलिए वो कॉन्सेप्ट ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो हम जानते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट आपने बहुत बनाई है, बैलेंस शीट पे मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, ठीक है। ये एसेट साइड हो गया, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करते हैं, करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, ठीक है, इधर क्या होगा करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, ठीक है। बैलेंस शीट तो बहुत बनाई है, 11th क्लास से बनाते आ रहे हैं, ठीक है। अब जरा एक बार देख लेते हैं शॉर्ट में कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, याद तो है ना। ये क्या होता है करंट एसेट? करंट एसेट यानी वो एसेट जिसे आप रियलाइज कर सकते हैं विद इन 1 ईयर, ठीक है, एक साल के अंदर जिन एसेट्स को आप रियलाइज कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं, उन्हें करंट एसेट कहते हैं। जैसे कैश हुआ, बैंक हुआ, मार्केटेबल सिक्योरिटी हुई, ये सब करंट एसेट, ठीक। नॉन करंट एसेट क्या है? नॉन करंट एसेट जो आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कोई भी बिजनेस जिन एसेट को लंबे ड्यूरेशन के लिए रखता है, एक साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए रखता है, उसे कहते हैं नॉन करंट एसेट। जैसे नॉन करंट एसेट में आ जाएगा आपका प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा, ये सब नॉन करंट एसेट है। अगला क्या है? करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यानी वो लायबिलिटी जिसको पे करना है, विच इज पेएबल विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, यानी वो लायबिलिटी जिसे एक साल के अंदर पे करना है, उसे कहते हैं करंट लायबिलिटी। जैसे क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी यानी जो लंबे ड्यूरेशन के लिए है, ठीक है, जिसका पेमेंट अभी तुरंत नहीं करना है, एक साल से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए जो लायबिलिटीज़ हैं जिनका पेमेंट करना है, उसे कहते हैं नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक। आप सोच रहे होंगे मैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों बता रही हूँ। ये कॉन्सेप्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो अभी हम वर्किंग कैपिटल स्टेट मतलब जो बनाएंगे, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ आएगा, ठीक है, इसलिए ये एक बार आपको रिवाइज करा रही हूँ, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब फंड मतलब तो आप समझ गए हैं ना, फंड मतलब क्या है? फंड मतलब वर्किंग कैपिटल। फंड मतलब क्या है? फंड मतलब है वर्किंग कैपिटल, ठीक। फंड मतलब कह लीजिए वर्किंग कैपिटल, या वर्किंग कैपिटल को और क्या कहा जाता है? वर्किंग कैपिटल को कहा जाता है नेट करंट एसेट। याद आ रहा है ना, वर्किंग कैपिटल को नेट करंट एसेट भी तो कहते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या था? वर्किंग कैपिटल था करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वैसे वर्किंग कैपिटल पे मैं डिटेल में वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। नॉट ओनली वर्किंग कैपिटल, मैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप MBA करेंगे और अगर फाइनेंस से स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो फाइनेंस में ये अलग से एक सेपरेट पेपर है, सेपरेट सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो वो भी मेरे चैनल में मैं डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो वर्किंग कैपिटल तो पता है ना, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दिस इज वर्किंग कैपिटल। तो फंड मतलब क्या है? फंड मतलब वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मतलब नेट करंट एसेट, ठीक। तो फंड मतलब समझ में आ गया। तो फंड मतलब होता है वर्किंग कैपिटल। और फ्लो मतलब क्या होता है? बताइए फ्लो मतलब क्या है? फ्लो मतलब है चेंज, फ्लो मतलब है मूवमेंट, ठीक है। वैसे जब कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाया था तो डिटेल में समझाया था फ्लो मतलब क्या है। तो फंड मतलब वर्किंग कैपिटल, फ्लो मतलब चेंज, ठीक है। फ्लो मतलब क्या है? मूवमेंट। फ्लो मतलब क्या है? चेंज। तो यानी फंड फ्लो यानी चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आप देख रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है, फंड मतलब वर्किंग कैपिटल और फ्लो मतलब क्या है? चेंज, मूवमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब क्या हुआ? फंड फ्लो स्टेटमेंट मतलब चेंज इन वर्किंग कैपिटल ऑफ अ बिजनेस ड्यू टू एनी ट्रांजेक्शन इन द बिजनेस। बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन मतलब सपोज करिए कोई भी एसेट खरीदे गए, जैसे फर्नीचर खरीदा गया, कैश में खरीदा गया या क्रेडिट पे खरीदा गया, या बिल्डिंग बेची गई या खरीदी गई, कुछ भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो चेंज आ रहा है फंड में, दैट इज कॉल्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो फ्लो ऑफ फंड जो होता है, फ्लो ऑफ फंड जो है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लो ऑफ फंड मतलब चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। फ्लो मतलब चेंज, फंड मतलब वर्किंग कैपिटल। तो फ्लो ऑफ फंड मतलब चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो चेंज क्या हो सकता है? चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, चेंज डिक्रीज भी हो सकता है। ये बात समझ रहे हैं? चेंज इन वर्किंग कैपिटल है तो चेंज क्या हो सकता है? बढ़ भी सकता है। चेंज क्या है? घट भी सकता है, ठीक है। अब जब किसी ट्रांजेक्शन से, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी लेन देन हुआ, ठीक है, कोई भी ट्रेड हुआ, तो उससे क्या होगा? अगर देयर इज एन इंक्रीज इन फंड, यानी अगर फंड बढ़ रहा है तो इट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ फंड। एक बात ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर किसी ट्रांजेक्शन से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, उससे अगर फंड बढ़ रहा है, वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? सोर्स ऑफ फंड, यानी फंड आया है। और अगर किसी ट्रांजेक्शन से डिक्रीज इन फंड हुआ, ठीक है, फंड कम हुआ है, तो उसको कहेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक। तो ये दो कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब क्या है कि हर ट्रांजैक्शन से कोई एक चीज़ होगी, कोई एक इफेक्ट होगा वर्किंग कैपिटल पे, कोई एक इफेक्ट होगा मूवमेंट ऑफ फंड पे। हर एक ट्रांजैक्शन से, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, उससे वर्किंग कैपिटल पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। या तो इनफ्लो ऑफ फंड होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन में फंड आएगा, सोर्स ऑफ फंड होगा, या आउटफ्लो ऑफ फंड होगा, यानी ऑर्गेनाइजेशन से फंड जाएगा, यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। या क्या होगा? नो फ्लो ऑफ फंड, ना आया ना गया, देयर इज नो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ऐसा भी होगा, ठीक है। तो हर ट्रांजैक्शन जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके तीन इफेक्ट हो सकते हैं वर्किंग कैपिटल पे, या तो इंक्रीज इन फंड होगा, ठीक है, इनफ्लो ऑफ फंड होगा, या डिक्रीज इन फंड होगा यानी आउटफ्लो ऑफ फंड होगा, या नो फ्लो ऑफ फंड, कोई चेंज ही नहीं हुआ फंड में, ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ फंड, कोई फंड में चेंज नहीं आया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगी, स्टेटमेंट बनाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जो मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2022 तक अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास में कवर कर चुकी हूँ। एक बार वीडियो को पॉज करके ये सारे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा। ये अभी तक यानी दिसंबर 2022 तक मैं अपने चैनल पर कवर किया है मैंने। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें मैं काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है दिसंबर 2022 तक, तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। और अगर आपको मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए ये हेल्पफुल था कि नहीं था, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूंगी। और मेरे जो दोनों ही चैनल है, मेरा पहला चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास, दूसरा चैनल पूजा सिंह के नाम से है, दोनों ही चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो मेरा दूसरा चैनल है उस पर भी कॉमर्स स्ट्रीम के जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं वो मैं कवर करती हूँ, ठीक है। अभी करंटली मैं दूसरे चैनल पर इनकम टैक्स पढ़ा रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि व्हेन डज अ ट्रांजेक्शन रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड, यानी हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ट्रांजेक्शन से फ्लो ऑफ फंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। किसी भी ट्रांजेक्शन से वर्किंग कैपिटल इनफ्लो हो रहा है वर्किंग कैपिटल का कि आउटफ्लो हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, पता नहीं चल पाता है। तो इसके लिए देयर इज़ अ रूल, एक रूल है, एक नहीं दो रूल है। ये दो रूल बहुत सिंपल से हैं, अगर ये समझ गए तो आगे आपको स्टेटमेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये रूल क्या है जल्दी से आपको बता देती हूँ। अगर जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन है, सपोज करिए कुछ फर्नीचर परचेज किया या फर्नीचर बेचा, ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन है, अगर उस ट्रांजेक्शन से, ठीक है, उस ट्रांजेक्शन की जब आप जर्नल एंट्री करेंगे तो अगर करेंट कैटेगरी आइटम, ठीक है, अगर उस ट्रांजेक्शन जो है वो इफेक्ट करता है करंट कैटेगरी आइटम ऑन वन साइड, यानी डेबिट क्रेडिट में से करंट कैटेगरी आइटम एक तरफ इफेक्ट करता है एंड नॉन करंट कैटेगरी आइटम दूसरी तरफ इफेक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ अ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल में चेंज आया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखिए, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन दिया है तो अगर आपको ये समझना है कि इससे फ्लो ऑफ फंड हुआ कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप उसकी, आप करिए उसकी जर्नल एंट्री, ठीक है। जब जर्नल एंट्री होगा करेंगे तो देखेंगे समथिंग अकाउंट डेबिट टू समथिंग क्रेडिट, ऐसे करके कुछ आएगा। तो अगर एक जो है करंट कैटेगरी है और दूसरा अगर नॉन करंट कैटेगरी है, यानी ये जो अकाउंट है ये करंट कैटेगरी का है, करंट कैटेगरी मतलब करंट एसेट या करंट लायबिलिटी है, और दूसरा क्या है नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी है, तो अगर ऐसा केस है तो उस केस में क्या होता है, देयर इज अ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में चेंज होगा यानी देयर इज अ फ्लो ऑफ फंड, ठीक। लेकिन अगर इसी की जगह दोनों नॉन करंट कैटेगरी के हैं, ठीक है, अगर ट्रांजैक्शन इफेक्ट कर रहा है नॉन कैटेगरी आइटम, नॉन करंट कैटेगरी आइटम, यानी जो डेबिट में हो रहा है वो भी नॉन करंट कैटेगरी है यानी नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी है, और जो क्रेडिट में है वो भी नॉन करंट एसेट या नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। या तो दोनों नॉन करंट कैटेगरी के हों या दोनों करंट कैटेगरी के हों, तो उस केस में देयर इज़ नो चेंज इन वर्किंग कैपिटल। खैर मैं अभी एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। अगर ऐसा हुआ कि दोनों नॉन करंट कैटेगरी के हैं, एक बार स्क्रीन क्लियर करती हूँ, ठीक है। अगर ऐसा हुआ कि दोनों नॉन करंट कैटेगरी के हैं या दोनों करंट कैटेगरी के हैं, डेबिट क्रेडिट जो हो रहा है दोनों नॉन करंट कैटेगरी के हैं या दोनों करंट कैटेगरी के हैं, तो उस केस में देयर इज नो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। बट अगर एक करंट कैटेगरी है दूसरा नॉन करंट कैटेगरी है तो देयर इज अ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में चेंज आएगा, ठीक। चलिए एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे एक एग्जांपल है कि फर्नीचर परचेज किए गए, 20,000 के फर्नीचर परचेज किए गए, तो इसकी जर्नल एंट्री तो हम जानते हैं क्या होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश में परचेज किए गए ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है 20,000, ठीक। अब बताइए फर्नीचर अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, एसेट है, पहले तो ये करंट एसेट है कि नॉन करंट, तो ये नॉन करंट एसेट है फर्नीचर, ठीक है, और कैश क्या है करंट एसेट। तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, एक है नॉन करंट कैटेगरी और एक है करंट कैटेगरी, ठीक है, ये क्या है नॉन करेंट कैटेगरी और ये है करंट कैटेगरी। तो अगर एक नॉन करेंट है एक करंट है तो देयर इज फ्लो ऑफ फंड, क्या होगा देयर इज फ्लो ऑफ फंड। ठीक, अगला देखते हैं। अगर फर्नीचर परचेज किए गए हैं 20,000 के ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज किए गए हैं तो एंट्री क्या होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, यही एंट्री होगी ना 20,000 अमाउंट। अब देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे फर्नीचर क्या है वही नॉन करेंट एसेट है, क्रेडिटर क्या है करेंट लाइबिलिटी है, क्रेडिटर तो करंट लाइबिलिटी होता है ना। तो आप देख रहे हैं एक है नॉन करंट कैटेगरी और एक है करंट कैटेगरी। तो यानी नॉन करंट और करंट इस टाइप का जब केस हो तो क्या होता है देयर इज फ्लो ऑफ फंड, फ्लो ऑफ फंड होता है। ठीक है, देयर इज चेंज इन फंड, फ्लो ऑफ फंड। यहाँ पे क्या हो रहा है देयर इज इंक्रीज या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हो रहा है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज करिए कैश रिसीव हुआ डेटर से, 10,000 का कैश रिसीव हुआ डेटर से। ठीक, तो एंट्री क्या होगी कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। ठीक है, कैश आया है ना तो कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अच्छा, ये जर्नल एंट्री समझ में तो आ रही है ना, अगर न समझ में आए तो जर्नल एंट्री पे मैं कई वीडियो बना चुकी हूँ, कैसे करते हैं जर्नल एंट्री, गोल्डन रूल क्या है, तो वो आप वीडियोस रेफर कर सकते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या हुई कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, 10,000 का अमाउंट है तो कैश क्या है कैश इज अ करेंट एसेट, डेटर क्या है डेटर इज ऑल्सो अ करेंट एसेट। तो आप देखेंगे दोनों करेंट कैटेगरी में है, तो यानी देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड, कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं है। कोई फ्लो ऑफ फंड कब नहीं होगा जब ट्रांजैक्शन जो है उसकी वजह से दोनों जो अकाउंट इफेक्ट होते हैं वो दोनों करंट कैटेगरी के हों या दोनों नॉन करंट कैटेगरी के हों, तो उस केस में क्या होता है देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड, कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं होता, ना वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज होगा ना वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज होगा। तो ये दो रूल जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दो रूल आप समझ गए ना, ये वाले दो रूल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी स्टेटमेंट बनाने में हेल्पफुल होंगे। ठीक, इसका एक और एग्जाम्पल है, जैसे अगर कैश पे किया क्रेडिटर को, ठीक है, तो एंट्री क्या होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्रेडिटर को कैश पे किया है ना और अमाउंट कितना है 40,000 का। ठीक है, क्रेडिटर कौन होता है करंट लाइबिलिटी होता है, बैंक क्या होता है करंट एसेट है, दोनों करंट कैटेगरी के हैं। इसका मतलब क्या है देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड, कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं है। ठीक, चलिए तो ये देखिए मैंने ये इसका कह लीजिए समरी लिख दिया है। अब तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ गया होगा कि फ्लो ऑफ फंड कब होता है जब वन करंट कैटेगरी का हो और दूसरा अकाउंट जो है नॉन करंट कैटेगरी का हो, और नो फ्लो ऑफ फंड कब होता है जब एक करंट कैटेगरी का हो और जब दोनों करंट कैटेगरी के हों या दोनों नॉन करंट कैटेगरी के हों तो क्या होता है नो फ्लो ऑफ फंड। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वर्किंग कैपिटल तो समझ में आ गया ना, वर्किंग कैपिटल क्या होता है करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो मैंने बताया था अगर ट्रांजैक्शन से देयर इज एन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, अगर किसी ट्रांजैक्शन से वर्किंग कैपिटल बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है देयर इज एन इनफ्लो ऑफ फंड, फंड आ रहा है, तो वो क्या है सोर्स ऑफ फंड, ये सोर्सेज है फंड के, वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज है, यहाँ से फंड आ रहा है। ठीक है, और अगर किसी ट्रांजैक्शन से देयर इज अ डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल घट रहा है तो वो क्या है वो है आउटफ्लो ऑफ फंड, फंड जा रहा है, तो वो क्या है एप्लीकेशन ऑफ फंड। ठीक, और अगर किसी ट्रांजैक्शन से देयर इज नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, अगर किसी ट्रांजैक्शन से न फंड आ रहा है न फंड जा रहा है, देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड, कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक मिनट, अगर किसी ट्रांजैक्शन से ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल में, वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड। और बताइए नो फ्लो ऑफ फंड कब होगा जब दोनों जो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं वो या तो दोनों करंट कैटेगरी के हों या दोनों क्या हों नॉन करंट कैटेगरी के हों, तो क्या होता है देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जरा देख लेते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, फंड फ्लो एनालिसिस में, फंड फ्लो एनालिसिस में वी मेक टू स्टेटमेंट, हम दो स्टेटमेंट बनाते हैं, पहला है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल और दूसरा क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट, और एक और है फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो बहुत अच्छी बात है, उठा के आप इसमें पुट करेंगे, बट अगर नहीं दिया है देन यू हैव टू मेक अ सेपरेट शेड्यूल, आपको एक सेपरेट टेबल बनानी होगी जहां से आप इसको कैलकुलेट करेंगे और फिर यहां पे उठा के पुट करेंगे। ठीक है, तो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब फ्लो ऑफ फंड होता है कब फ्लो ऑफ फंड नहीं होता है। ठीक है, व्हेन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल तो उसे क्या कहते हैं, जब डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है तो उसे क्या कहते हैं एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या है? फंड मतलब वर्किंग कैपिटल, फ्लो मतलब चेंज। तो ये एक स्टेटमेंट होता है विच शोज द चेंज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या चेंज आया बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट, ये बताता है। ठीक, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आज का लेक्चर ऑलरेडी ये काफ़ी लेंथी हो गया है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। अब अगले लेक्चर में हम फाइनली फंड फ्लो एनालिसिस में ये जो दो स्टेटमेंट बनाए जाते हैं ना, अब हम ये दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे और कैसे बनाए जाते हैं वो समझेंगे और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। राइट, तो चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।